हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो पहले तो मैं अभी गुवाहाटी पर है और आप लोगों को तो पता ही होंगे कि अभी जो माँ कामाख्या मंदिर है वहाँ पे 22 से लेकर 25 अंबुबाची मेला हो रही है। तो कल ही मैं गुवाहाटी आया था और आज माँ कामाख्या मंदिर में हम लोग जाएंगे। तो ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी मैं। आई होप मेरे से एक ब्लॉग तो बन पाए आज। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी घर से निकल चुके हैं, तो चलते हैं घर, देखते हैं अंबुबाची मेले में क्या क्या होते हैं। तो अभी मंदिर का फर्स्ट गेट मिला है और हमने आधा रास्ता चलकर ही आया था क्योंकि बीच रास्ते पर गाड़ी रोका गया था और सब लोग भी पैदल चलकर ही आया है और यहाँ से अभी 3 किलोमीटर जैसा चलकर ही जाना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ से हमने शॉर्टकट रास्ता लिया है और अभी जाने के टाइम सीढ़ी होकर जाते हैं, फिर आने के टाइम पे रोड से आएंगे। तो गाइस हम लोग बहुत टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच गए हैं और ठीक है, अभी मंदिर के अंदर आप लोग को जाके दिखाती हूँ। अभी हमने दर्शन कर लिया है और अभी यहाँ पे हम लोग रेस्ट करने के लिए आए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतने ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे लोग बहुत जगहों से आया हुआ है, दूर दूर से आया हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइन लगा हुआ है दर्शन लेने के लिए। Oh,
तो अभी हम लोग पहले इस तरफ से आया था शॉर्टकट होकर, और अभी इस तरफ से जाएंगे बहुत से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लोग है यहाँ पे। अभी भी देखो गाइस मंदिर पर बहुत ही ज़्यादा लोग है, और अभी भी रास्ता फुल है, रास्ता फुल होकर जा रही है मंदिर तरफ। तो यहाँ रास्ते पे आप लोग को शरबत वगैरह भी पिलाता है फ्री में, लेकिन हम लोग ये नहीं पिया। और यहाँ का कमेटी लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि बहुत से लोग दूर से ही खाली पाँव आ रही है, वो लोग के लिए सुविधा दे रही है यहाँ पे रोड पे खाने छोड़कर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बिस्किट और खाने ये सब फ्री में दे रही है। वापस आ चुके हैं हम मंदिर से, और हम लोग पहले जाने में सीढ़ी होकर गया था, और अभी हम लोग रोड होकर आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतनी सारा भीड़। अभी हम लोग फिर वापस जाएंगे। मेरा ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। सो आप लोग मेरा ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय बाय।